नमस्कार दोस्तों, देशवाल व्लॉग में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम शूटिंग पर, हाँ भाई, काफ़ी गर्मी है, बुरा हाल हो रहा है। एक दो सीन हमारा कंप्लीट हुआ है और अभी काफ़ी सीन हमारे बच रहे हैं। साथ में हैं मेरे सीनियर कलाकार और गुरुस्मान दीपक कपूर जी। आपने कई चीज़ों में देखे होंगे, फिल्में भी करी है, बॉलीवुड की फिल्में भी करी हैं सर। हाँ, और काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पर सीरीज भी करी हैं। और भाई, जो हरियाणा में जो टाइम पास चल रहा है, उसमें दमल ने जो धूम मठा रखा है, तो वो तो आपने देख रखा होगा जरूर सर। एक दमल का डायलॉग बोल कर चलो जाए भाई, मनदीप देसवाल ब्लॉग पे आप सारे का स्वागत है भाई। इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। और भाई, गर्मी ज़्यादा पड़ने आ रही है, गर्मी बहुत। और इसी गर्मी में मनदीप ईसा जी कर रहे हैं भाई, कितना बैठ जाए, लेकिन ये छाया है, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, फिर दिल्ली का प्रदूषण और बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। इसी गर्मी में ईसा जी कर रहा है सर, कि जोड़ों में कूद जावा। एक नो बोले किसा जी करन, बोले ईसा जी कर जुन ब्याह जा। तो अभी आप लोग बने रहियो, आपने सीन भी दिखावा है किस तरह हमारे सीन हो है। फेसबुक पेज की स्टोरी हम निकालने लग रहे हैं आज। फेसबुक पेज की स्टोरी की अलग प्रकार से शूटिंग हो है, जो कि एप्पल के फोन से भी हो जाए, और जो हम यूट्यूब के लिए काम करा हाँ, उनकी स्टोरियाँ कैमरे से होती है। ये हमारी आज की लोकेशन है जो हम स्टोरी कर रहे हैं, उसके लिए लोकेशन हमने ये चूज करी है। यहाँ पे बिल्कुल एकांत एरिया है, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है यहाँ पे। और इस तरफ ये सीन फिल्माने लग रहे हैं हमारी स्टोरी के, जो कि मेरे गुरुजी जोगेंद्र कुंडू जी हैं, उनकी पेज से ये स्टोरी आओगी। माइक दे देना भाई। अच्छा, तू ठीक है ना? तू थोड़ी गर्दन ही लाइयो। ये उन्हें न मुड़ते हैं, रूप चेंज हो जाएगा। गुरुजी जोगेंद्र कुंडू के बेटे हैं, अभी लॉन्च किए थे। पहली स्टोरी मेरे भाई की 10 मिलियन चली गई थी, तो अच्छा काम करने लग रहे हैं। अच्छा नहीं करते, बोल लो बेटा, और अच्छा करे, एनर्जी फुल। मैंने जैसे बताया था उस तरीके से, ये 8 चश्मे तारे। अच्छा, तू ठीक है ना? ये आचल बेटी आचल लग रही, शाबाश, वेरी गुड, एनर्जी पूरी। और जी, ये हमारे धीरज भाई हैं, आपने फेसबुक पे एक पेज देखा होगा, करम जले। ये किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, सोशल मैसेज देते हैं लोगों को। फेसबुक यूट्यूब चैनल भी बड़े अच्छे स्तर पर है भाई का, मिलियन में फॉलोवर हैं। तो धीरज भाई, आपको ये काम कैसा लगता है अपना, जो आप कर रहे हो आजकल? बढ़िया लग गया, जब बगल लग रही है, मजा है ना पूरा। बिल्कुल, जब आप लोग आता मैसेज दो हो, रोज स्टोरी आपकी, कई स्टोरी 200 मिलियन भी गई है, 100 मिलियन भी गई है, तो काफी खुशी महसूस होगा अपना काम जैसे कि पूरा हो गया। लोगों तक पहुंचती है जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचता है तो खुशी तो होती है। तो भाई, एक आर्टिस्ट ने यह खुशी वो है कि भाई लोगों ने पसंद आई। बिल्कुल। तो सर, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं ये धीरज खातर कहूंगा दो शब्द। हाँ सर, बताओ। कि आर्टिस्ट एक अच्छा एक्टर जी, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान नहीं है, हाँ सर, तो भी सक्सेस नहीं होगा। बिल्कुल, एक्टर से पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। हाँ। तो धीरज की गल्ला, मेरे ख्याल 3-4 साल हो गए, है ना? 4 साल पहले मैं धीरज बेटे से जुड़ा था और यूट्यूब की स्टोरी करी थी, वो स्टोरी भी बहुत ही अच्छी, लव स्टोरी थी, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। तो धीरज भाई जैसे करम जले, इनका अपना चैनल है, तो यूट्यूब को आप देखोगे तो इन्होंने एक नया आयाम दिया है हरियाणा में। हालांकि हम वेब सीरीज काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन उसका पिक्चराइजेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके डायलॉग डिलीवरी, मतलब हर चीज़ से परफेक्ट था इनका मामला। और बंटी जो है हमारे जो डीओपी हैं, वो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं, आर्टिस्टों को समझाते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो एक पूरा टीम वर्क जी। और टीम का सरदार धीरज। हाँ। तो सरदार अच्छा होगा, पग नहीं पहन रखी बाकी। अच्छी सोच होगी तो एक अच्छी चीज बन के आती है। इसी तरह इन्होंने अपना फेसबुक पे करम जले के नाम से पेज है, जो बहुत ही बेहतरीन। हम तो इनसे देख देख के सीखते हैं, जो आप लोग कैमरे के पीछे खड़े हैं भाई। बस भाई, मैं भी इन्होंने देख के सीखे हूँ। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक्टर के साथ साथ, एक्टर तो अच्छा है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अच्छा ये इंसान है। हाँ सर। और इसीलिए आज इस मुकाम पे है,
जितने भी दर्शक देख रहे हैं, चाहे उसमें कलाकार होए, चाहे वो अपने भाई घरेलू आदमी होए, अच्छे बनो, आप चाहे कोई भी काम करो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, ये मेरी जिंदगी का दावा है। सर, 4 साल पहला मेरे तो भी आपने ये बातें बताई थी, तो मोच की बताई थी मैंने। नहीं सर, ये भी बताई थी कि आपको पहले इंसान अच्छा बनना पड़ेगा, लेकिन तू बीच बीच में गड़बड़ करते है, थोड़ी बहुत तो होती रहे ना सर, उसका प्यार दोगुना पड़ता है ना मेरा रब का। हाँ, तो मनदीप भी बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन बीच में यो एक आधा मतलब लीकड़े तोड़ता रहे, क्योंकि इसको ये लगता है कि ये हमारे हरियाणा के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए ये बात हजम नहीं हो पाई, या किसी ने किसी के साथ गलत किया तो चुप नहीं बैठ सकता। हाँ सर, तो ये इसके अंदर एक कमी, हालांकि आज का टाइम नहीं है कि हम किसी एक दूसरे का पक्ष ले, कोई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उन्हें 4 दिन बाद फिर इकट्ठा होना है, हर बूंदा यो बन जाए, हर भुगतान बनने देना पड़े, तो कोई नहीं, अच्छी अच्छे चरित्र और अच्छे चरित्रवान और अच्छी नियत, नियत की गल्ला बरकत हो आकर, अच्छी चीज, अच्छी पॉजिटिव सोच रखो, आप ऊपर तक जाओ। बिल्कुल, धन्यवाद सर। धीरज भाई, आपका भी धन्यवाद, जो आप मेरे चैनल पर आए, आज मेरे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? बस यही है जी, मेहनत करोगे तो फल तो एक ना एक दिन मिलेगा जरूर, बस हार नहीं माननी चाहिए, बस करते रहो मेहनत, बिल्कुल, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, मिलेगा जरूर फल। हाँ, ये जरूर मिलेगा। तो अभी हम बात करते हैं, हमारी एक और महान हस्ती है दीपक कपूर जी। तो सर, आज आप फेसबुक स्टोरी पर काम करना आए हो, फेसबुक स्टोरी पर आपने कम काम किया है, लेकिन हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जो चीज 3 घंटे के कंसेप्ट रहते हैं उनको 3 मिनट में, 3.5 मिनट में हम कर डालते हैं। हाँ। और मेरा भाई जोगिंदर कुंडू जो कुंडू ब्लॉग है जोगिंदर कुंडू जी, तो भाई उसके साथ आ रहा हूँ, मतलब हाँ। पीछे एक स्टोरी की थी, अच्छा लगा। और भाई फिर यह गुड़िया है अपनी आचल, ये अपनी आचल बेटी है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसके साथ मैंने एक स्टोरी पहले भी की थी। हाँ। और आज भी कर रही है, बहुत मेहनत करती है ना सर, से करती रहती है। कोंडू सर के पेज पे जो पहली स्टोरी पड़ी थी जी, जी। हार्दिक बेटा की, जो कि कोंडू सर के बेटे हैं जी, जी, जी। और साथमा आचल थी, तो वो स्टोरी सर 10 मिलियन से ऊपर चली गई। बिल्कुल 10 मिलियन से ऊपर, तो मतलब जब हम अच्छा काम करा ना सर, ये 10 मिलियन व्यूज तभी आते हैं। जरूर जाता है, जरूर जाता है। तो बेटी ने बहुत अच्छा काम उसमें कर रखा है दोस्तों। ये नेचुरल ब्यूटी से बिलोंग करती है, इसके बाल दिखा, ये देखो बाल, देखो बिटिया के, अरे आजकल के छोरियां के बाल कटा दे, वो भी कटिंग करा दे। हाँ, ये वास्तविक इंडिया भी है, हरियाणा भी है। और जी, ये है आंचल की माता जी। हेलो। तो जी, ये बताओ कि जैसे कि आपकी लड़की काम कर रहे हैं और अच्छी स्टोरीज में काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के बीच में अच्छे सामाजिक मैसेज भी जा रहे हैं उससे स्टोरियों के साथ साथ, तो आपको कैसा लगता है कि लड़की भाई काम कर रहे हैं, उनकी ड्रेस के बारे में कुछ अजीब फील हो आपने? नहीं सर, मुझे चलते चलते बताओ, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे थैंक यू तो मैं कुंडू सर जी का बोलना चाहूंगी कि इन्होंने मेरी बेटी को अपनी स्टोरियों में ऐड किया जी, ठीक है, और मेरी बेटी इनके साथ साथ इनके कदम से कदम मिला के चले। मतलब आपकी लड़की एक्टिंग करा है। हाँ, तो आपको गर्व महसूस हो है? हाँ जी, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। तो मैं तो नहीं चाहूंगा भाई कोई लड़की एक्टिंग लाइन में जिसका मन करे है, तो जैसे कि ये है, इनको गर्व महसूस हो है, तो सभी से प्रार्थना मेरी, जो भी लड़की भाई आगे निकलना चाहे है, तो फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी मैडम इस लाइन में। हाँ जी, हाँ जी सर, है ना, हमारी फैमिली में सभी सपोर्ट करते हैं सर, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, पापा भी, भाई भी, और मैं तो हूँ सर जी, बिल्कुल जी, ठीक है। तो जी, हमारे 3 सीन कंप्लीट हो गए, और अभी हमारे यहाँ अपने फ्लैट पे, इस फ्लैट के अंदर करांगे शूटिंग, और गरुजिया की एक डबिंग आई है दोस्तों। जब हमारे गाने में डायलॉग हम देखा वहाँ ऑन शूट, तो वे हमने दोबारा भेजने पड़े हैं। अभी मैं आपने दिखाऊंगा गुरुजी वे डायलॉग कैसे भेजेंगे, आवाज नहीं आनी चाहिए, डबिंग देखो कैसे भेजी जाती है जी सर। एक तो दोस्तों डबिंग होती है प्रॉपर रूप से स्टूडियो में जी, लेकिन गाड़ी भी एक स्टूडियो ही है और इसके अंदर आवाज नहीं गूंजती। आपने भी की था डबिंग भेजनी हो तो गाड़ी सबसे सेफ है। हाँ। सस्ता, सुंदर और टेकाऊ, जैसे की अब आवाज आ रही है यहाँ पर वगैरह की। आओ चलो सर। तो जी, अभी शुरुआत होगी डबिंग की, देखना आप लोग। जय आज तेरी बहू ब्याह में नाच पड़ी ना, जय आज तेरी बहू ब्याह में नाच पड़ी ना, जय आज तेरी बहू ब्याह में नाच पड़ी ना, तो तू पिटेगा मेरे तो रे, मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा, तो तू पिटेगा मेरे तो रे, मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। ये इस तरह तो है दोस्तों डबिंग।
जी ये देखो दीपक सर ने आधा बर्गर खाया है और अभी कुंडू सर खाओगे। सर कैसा लगा बर्गर आपको? खा लो पहले, पीछे बताइयो। आज थोड़ा छोटा है, नहीं तो जो पिछला बर्गर था ना वो इतना भारा था तो उसके लिए मेरे ख्याल में चार मुंह लगाने पड़ते हैं। चार मुंह? ये छोटे वाला था। टेस्टेड है और बहुत टेस्टी, नहीं बढ़िया चीज तो होती नहीं भाई ये पिज्जा बर्गर फलाना झगड़ा, लेकिन थोड़ा टेस्ट के अनुसार खाओ। कभी कभी टेस्ट करना चाहिए सर। ये एक किलो का बर्गर जो पाइया मन्ने खाया है, तीन पा मेरा कपूर साहब खाओगा। ये देखो भाई इतना प्यार है गुरुजिया में और कपूर सर में, आधा आधा बाट बाट के खाए हैं। ये अपना जो कुछ ऐसे बात आया क्योंकि ये बर्गर काफी बड़ा था। अपना भाई शूटिंग का काम हो गया पूरा, बच्चिया ने बहुत अच्छा काम करा आज। और अभी मैं बाहर दिखाता हूँ, धीरज भाई के ऑफिस पे बैठे हम। तो सर बच्चिया ने काम पूरा कर दिया, पूरा हो गया, बहुत अच्छी। सीन बाकी है, सिर्फ लास्ट का सीन है, वो बाहर जाते वक्त ले लेंगे हम दुकान वाला। और गोलू ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी और बिटिया ने भी बहुत अच्छी करी। यो थारा प्यार और आशीर्वाद है। और अपना जोगिंदर कुंडू के नाम से अपना पेज है तो उसपे सोशल स्टोरियां डालते हैं हम जी। और ये बच्चे गुड़िया ने भी काफी स्टोरियों में काम कर, हाँ आचल बहुत अच्छा काम करा है सर। और आचल का भी आप पेज वगैरह ये इन पे थोड़ा ध्यान दें, महीने के बाद में इसका पेज क्रिएट करेंगे जी। और मतलब आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम बहुत ही बेहतरीन अच्छी स्टोरी कर रहे हैं जो सोशल है और यारी दोस्ती के ऊपर है। ताकि दोस्ती में कई बार इंसान गिर जाता है और कई बार इतना उदारपना और इतना अच्छा कार्य करता है कि सब लोग उसको सलूट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ लेके आ रहे हैं दोस्ती के ऊपर, मोहब्बत का त्याग, मोहब्बत का त्याग। बहुत जल्दी ये कंसेप्ट आपको जोगिंदर कुंडू पेज पे मिलेगा, फेसबुक पेज पे, फेसबुक पेज जी। दोस्तों अपनी शूटिंग हो गई है कंप्लीट भाई। और ये देखो कुल्फी वाला आ गया था, तो जो मेरे गुरुजन हैं उनने कुल्फी दिखती है, ये बच्चे बन जा रहे बिल्कुल। ये देखो बच्चे बन रहे हैं, कुल्फी और गोलगप्पे। हाँ जी हमारी कमजोरी, इट्स माय फेवरेट फेवरेट सर। कमजोरी है जी, मतलब कमजोरियां हैं, कमजोरी है जी। तो इस कमजोरी को दूर कैसे किया जाएगा? खा के राम जी कर रहे थे, खा के सर, खा के। पैसे दे दिए, पांच हो गए थे। हाँ जी, तो एक्चुअली क्या है कि वो जो बिल्लियों के पास आप सो रहे थे, तो हाउ डू यू फील नाउ आफ्टर सोइंग इन बिल्ली एंड कुत्ताज? देखो जी ऐसा है, जानवर आदमी सब प्यार के भूखे हैं, हम प्यार से किसी के पास भी सो सकते हैं, चाहे शेर दर सो जाओ। नहीं वो प्यार ने यो मंदी पढ़ लिया सर, बिल्ली बड़ी खतरनाक थी, ज्यादा खतरनाक थी। इसका बढ़ के भर लिए पिंडी पे, लपेट गई देवा। अच्छा जी, मैं तो सहला रहा था, उनको लोरी सुना रहा था। असल में आप तो नहीं सोच रहे थे कि भाई मारा मोसा रहा है, क्योंकि बिल्ली के साथ मुंह है ना मेरा, शेर के साथ, शेर के साथ तो शेरों का मोसा है, दस बिल्ली का मोसा शेर होगा भाई जी। और कुत्ता माने कुत्तो, दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही भाई, आप सभी से हम अभी लेते हैं विदा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे भाई। हमारे बच्चे बैठे हैं इस तरफ, बहुत अच्छा काम गुड़िया ने कराया आज और बहुत अच्छा काम गोलू बेटा ने कराया है। तो सभी को राम राम, नमस्कार, राम राम दोस्तों।